हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं इतना कंप्लीट किया था पिछले दो वीडियो में, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा स्किन ड्रॉ करके स्किन को कैसे शेडिंग किया जाता है और हेयर को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो वीडियो का अंत तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शेडिंग करते समय जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, हमें लाइटली शेडिंग करना चाहिए और लाइट टू डार्क। जैसे कि मैं पिछले दो वीडियो में बताया था, मैं लाइटली पहले शेड किया, उसके बाद जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क किया। तो रियलिस्टिक लुक लाने के लिए सबसे पहले लाइट टू डार्क ही करना ज़रूरी होता है। तो मैं देख सकते हो आप कि मैं लाइटली शेड कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेंसिल को कैसे पकड़े। पेंसिल को ना ही एकदम आगे से ना ही एकदम पीछे से। आप देख सकते हो मैं एकदम पीछे से भी नहीं, थोड़ा बीच में से कर रहा हूँ, तो इससे लाइटली शेड हो पाता है। तो मैं उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। मैं जिस तरह से शेड कर रहा हूँ उसी तरह से करने से स्मूथ टेक्सचर मिलता है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ एकदम धीरे 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 करके पूरा फेस को मैं पहले लाइटली शेडिंग करूँगा, उसके बाद मैं कहाँ पे डार्क एरिया है उसके हिसाब से मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले फोटो के अकॉर्डिंग मैं लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फोटो के अकॉर्डिंग जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ करके डार्क करूँगा। वीडियो को अंत तक देखना तो आपको पता चल जाएगी शेडिंग फेस पे कैसे करना चाहिए, रियलिस्टिक लुक लाने के लिए किस तरह से शेडिंग किया जाता है। तो आप देखते रहो वीडियो, मैं एकदम लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ। मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ कि मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप भी अगर बिगिनर्स है तो इसी तरह से प्रैक्टिस किया करो धीरे धीरे करके। देख सकते हो मेरा फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने वाला है। तो अभी मैं कर रहा हूँ ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, पूरे फेस को मैं ब्लेंडिंग करूँगा ब्रश की मदद से। आप पेपर स्टम्प की मदद से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। मैं ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग किया। अभी सेकंड टर्न धोने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क है वहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ। उसी के हिसाब से मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए। ब्रश, पेपर स्टम और टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ। जहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है तो वहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड के लिए मैं अगर ब्लैक ज़्यादा डार्क करना होता है वहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट टू डार्क शेडिंग करो तो एकदम रियलिस्टिक लुक आएगा। फिर से मैं उसी तरह से हेयर में भी लाइटली पहले शेडिंग किया, उसके बाद मैं जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे डार्क करूँगा, और जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे मैं व्हाइट व्हाइट छोड़ रहा हूँ आप देख सकते हो, और जहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट है वहाँ पे मैं मोनो इरेजर का यूज़ करूँगा।
और शेडिंग करने के बाद फोटो के अकॉर्डिंग ज़्यादा आप हाईलाइट है और पर हाईलाइट करूँगा ताकि हेयर को रियलिस्टिक लुक मिल सके। उसी तरह से मैं शेडिंग करता हूँ। तो आप भी अगर बिगिनर्स हैं तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने मेरा इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देखो मेरा ड्राइंग्स और वहाँ फॉलो करो और अपने दोस्त को भी शेयर करो ताकि मेरा ड्राइंग उन तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को जो ड्राइंग में इंटरेस्ट है उन लोगों को थोड़ा मदद मिल सके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना भी किसी से भी सीख लो, किसी का भी कितना वीडियो देख लो, आप जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो तो आपका ड्राइंग अपने आप ही इम्प्रूव हुआ दिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं पूरा ड्राइंग दिखा दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।